ये आ गया पांच, एक दो तीन चार पांच, और ये गई तुम्हारी गोटी घर। दादी मेरी गीटी वहां पे रही थी, मेरी गीटी दो खाने आगे थी, चीटिंग मत करें। हाँ है, कितना झूठ बोलती है, बिल्कुल अपनी माँ पे गई। अरे अब मैं एक बारी और लू। अच्छा चलें, ले अपनी दूसरी बारी। अमजान मुबारक हो, उन लोगों को हमारी रजिया बहुत पसंद आ गई, ये परसों मंगनी करने आ रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरी शादी होने वाली है। मम्मी मम्मी लेट्स गो, हमें शॉपिंग पे जाने की जरूरत है। हाँ हाँ कर भी लेंगे शॉपिंग, कोई मसला नहीं। मम्मी मैं शादी की शॉपिंग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं गर्म जैकेट्स की बात कर रही हूँ। सवात में बहुत ठंड होती है ना, और मुझे तो वहाँ की ठंड का सोच के ठंड लग रही है। देखा मीजान ऐसी खपती बातें कर रही। आए, आए, क्यों हर वक्त उसके पीछे पड़ी रहती है, खुश हो लेने दे उसे। ये बता कि वो क्या क्या रहे थे। हाँ मीजान। अच्छा वही से बता। अच्छा अच्छा अच्छा, वो कह रहे थे कि लड़के को रजिया बहुत पसंद आई है, परसों वो मंगनी करने के लिए आ रहे हैं। हाँ क्यों नहीं पसंद आएगी, हमारी बच्ची है भी तो लाखों में एक, चांद का टुकड़ा है मेरी बच्ची। अल्लाह मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करे। अच्छा जा मेरे लिए एक गिलास ठंडा शरबत बना के ला। ठंडा ना हो अमजान। हाँ हाँ तो हम बालंगा डाल। नहीं ठीक है अमजान मैं लेकर आती हूँ। अच्छा ये तो खत्म करो। उमर पिया प्यारे, उमर पिया प्यारे, सन पिया प्यारे, सारों सिए जुल्म लगे तेरी आंखों। रमीज रमीज रुको। अरे देर हो रही है मम्मी। रमीज शाहिदा का फोन आया था, वो ये कह रही थी कि मैंने उसे मैसेज किया है कि हमें लड़की पसंद आ गई है, और वही मैसेज उसने लड़की वालों को फॉरवर्ड कर दिया है। अब उसकी माँ और उसकी जो दादी है ना कॉन्स्टेंटली मुझे फोन किए जा रही है, तो डर के मारे फोन भी नहीं उठा रही, क्या कहूँ। रियली आपके फोन से कौन मैसेज कर सकता है। हाँ हाँ मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा, मेरा तो पासवर्ड भी किसी। रमेश जी ये तुम्हारी यार पता है बुरी देर हो रही है। बाय रमेश, बात तो की होती मुझसे। त्यौहार है। हेलो शायदा, क्या जरूरत थी, पूछ लेती मुझसे एक दफा। देखिए मैं मेहंदी आपके यहाँ से शुरू करूंगी और यहाँ तक लगाऊंगी, ठीक है, और वहां पे भी सेम लगाऊंगी, सेम लगा दूं ना, बीच में बनाऊंगी डिजाइन, ठीक है ना। देखिए मैं अपनी मर्जी से लगाऊंगी आपको, आप कुछ बोलिएगा नहीं, लेकिन मैं लगाऊंगी अच्छी, ठीक है। अच्छा नहीं नहीं सुनो ना, तुम्हें मेहंदी के बीच में अल्फाबेट बनाना आता है। जी बिल्कुल आता है। सही है, तो एक काम करो कि आर लिख दो, एक आर यहाँ और एक आर यहाँ, उनका नाम रमीज। अच्छा तो पीछे भी बना दूं क्या। हाँ पीछे भी। अरे लग गई मेहंदी। नहीं आंटी अभी तो शुरू की है। जाओ अंदर जाओ, मुझे जरा बात करनी है, जाओ। जी देख मैं कह रही थी अल्लाह ने बड़े नसीब से ये रिश्ता लगाया है। खुदा की कसम मम्मी मैं भी यही बात सोच रही थी, मैं तो सोच ही नहीं सकती थी कि मेरा इतने अच्छे घर में रिश्ता हो जाएगा। अच्छा एक बात याद रखना, ये जो संजीदा किस्म के लोग होते हैं ना, ये बड़े खामोश रहते हैं, इन्हें ज्यादा खेल तमाशा, ये बचपना, वो लड़बाजी ये पसंद नहीं होती। तू भी जरा चबड़ चबड़ कम करना। अच्छा मम्मी मैं तो वैसे ही इतना कम बोलती हूँ, अब इससे कम क्या बोलूं। हाँ कम बोलती हूँ, तेरी जबान तो तेज गाम है। अल्लाह तेज गाम से याद आया, सरगोधा फूफो का घर, हम ट्रेन से जा रहे थे, 8 घंटे लेट थी ट्रेन। उफ या अल्लाह इसकी मंगनी खैर खैरियत से हो जाए। आमीन आमीन। Thank you.
सिए दिल में लगे तेरी आंखों की खामोशियां मैं खो गया इनमें कहीं इस जग के समय से परे तारों सिए आँखों की खामोशियाँ सच पूछो फातिमा, मैं बिल्कुल इस रिश्ते से खुश नहीं हूँ। ये तो बस मैं रमीज की वजह से खामोश हो गई। मुझे किसी तरह ये मंगनी तोड़नी पड़ेगी। हाँ, लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम बस सारा को भेज दो जल्दी से। अर्लीस्ट फ्लाइट। हाँ ठीक है। मम्मी, ये कहाँ का इंसाफ है? कल ही मेरी मंगनी हुई है और आप मुझसे प्यास कटवा रही हैं। मंगनी हुई है ना, अपाहिज तो नहीं हुई हो। जल्दी जल्दी काम करो। रमजान के अंडे में प्याज ना हो तो सर खा जाती है। दुल्हन से कौन काम करवाता है? दुल्हन? कौन सी खामो ख्याल की दुनिया में जी रही हो? मंगनी हुई है, अभी दुल्हन नहीं बनी हूँ। मंगनी दुल्हन की होती है मम्मी। किसका फोन आ रहा है? किसी का नहीं, ऐसे ही शगुफ्ता का। अच्छा, वो मम्मी शगुफ्ता का फोन आ रहा है। मैं काम करती हूँ, उसको फोन कर लेती हूँ। मम्मी पर भी नहीं बुलाया था ना बेचारी को, बस उसको थोड़ी डिटेल्स देकर आई। अच्छा, जल्दी आना। हम जान के लिए मुझे खुद ही काटना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे? रो रही थी? नहीं, रो नहीं रही थी, वो अम्मी ने प्याज कटवाई है ना, तो बस आंखें जल रही हैं। मुझे लगा मेरी कॉल देख के तुम्हारी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर तो बहुत अच्छा है। एक सेकंड, आपको पता है मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है। मुझे पूरे 500 लतीफे आते हैं। जब भी कोई खानदान में शादी होती है और रत जगह होता है, मैं सबसे पहले लतीफे सुनाती हूँ। अरे मेरी कजन तो कहती है कि तुम तो लतीफों की इंसाइक्लोपीडिया हो। अच्छा सुनो, एक बात पूछूं? अगर तुमसे मिलना हो तो क्या करना पड़ेगा? घर आ जाए, आंटी भी मिल लेंगी। नहीं नहीं, वैसे नहीं मिलना, आई मीन तो फिर कैसे मिलना है? मेरा मतलब है कोई लंच, डिनर, कॉफी, एनीथिंग। ये बोले ना कि पर ले 21 अगस्त। हाँ ओके 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 ओके। किसका फोन है? शगुफ्ता का। अम्मी सलाम दे रही थी आपको। वालेकुम अस्सलाम। अब तुम उससे मिलने भी जा रही होगी? जी मम्मी, एक ही तो दोस्त है मेरी। बड़ी गाड़ी चल रही है, अभी उसका फोन आया तो उससे मिलने भी जा रही हूँ। खैरियत तो है उसके घर सब? मैं मगरिब से पहले आ जाऊंगी। अच्छा, याद से जल्दी आना वरना पता है ना मेरा। जी जी जी, ठीक, आ जा। हाँ हेलो। वो असल में अम्मी आ गई थी, बहाना बना दिया है मैंने, शक नहीं हुआ उनको। बहाना बना दिया ना, तो बस मुझे जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। ठीक है, मैं बस आ रही हूँ, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। ओके ग्रेट, मैं बाहर हूँ।